ये दास्तान है अकबर आजम के बेटे और मुगल बादशाह की आखिरी आरामगाह की, जो अपने दौर में जहांगीर हुआ करता था। तारीख जहांगीर को शहजादा सलीम, नूरजहां और जंजीरे अदल की बदौलत जानती है। जहांगीर ने इंसाफ का एक नया निजाम मुतारिफ करवाया। हर खासो आम शख्स को ये हक हासिल था कि वो घंटी बजा सकता था, जिसकी फरियाद जहांगीर खुद सुना करता था। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर मुगलिया दौरे सल्तनत का वो चौथा हाकिम था, जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर दो दहाइयों से जायद हुकूमत की। कश्मीर से वापसी पर शहंशाह जहांगीर का इंतकाल बमकामे जहलम हुआ। जस्ते खाकी को लाहौर लाकर बागे दिलकशा में दफना दिया गया। शाहजहां जब जहांगीर की वफात के बाद बरसरे इक्तदार हुआ, तो उसने सबसे पहले अपने वालिद का अजीम शान मकबरा तामीर करवाया, जो कि आज शहंशाह जहांगीर की शान शौकत और शाहजहां का तर्ज तामीर में हुस्ने ज़ौक बयान करता नजर आता है। लाहौर के मगरब में मौजूद ये मुगल इमारत पाकिस्तान में किसी भी मुगल बादशाह का वाहिद मकबरा है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का ये मकबरा 1637 में उस वक्त 10 लाख रुपए की लागत से 10 साल के तवील अरसे में तामीर हुआ। इस मकबरे के बागात 1538 मुरब्बा फिट पर फैले हुए हैं। मकबरा जहांगीर बाग के गिर्द चार दीवारी के अंदर बीचों बीच वाके है। मकबरे के चारों जानेब कुशादा और कद आदम फसील है। इस फसील को मेहराबों की शक्ल में खूबसूरती से तामीर किया गया है। बाग के दो खूबसूरत और अजीम शान दरवाजे मशरिक और मगरब में बनाए गए हैं। मगरबी दरवाजा आज भी उस दौर के अजीम मेमारों की याद दिलाता है। मकबरे का मगरबी सदर दरवाजा खूबसूरत पत्थरों से सजाया गया है, जिसमें संगे सुर्ख के साथ संगे मरमर का खूबसूरत काम दिल को लुभा लेता है। मगरबी दरवाजे के दाएं और बाएं मेहराबदार दरीचे बनाए गए हैं। दरवाजे के अंदरूनी जानेब दीवारों, छत और मेहराबों में नफीस ज्योमेट्रिकल डिजाइन और फूलों के नक्श बनाए गए हैं। दरवाजे से हाथी मां सवार गुजर सकता था। दरवाजे के ऊपरी मेहराब को खूबसूरती के साथ उभरे सूरज और सितारों से तशबीह दी गई है। ये दरवाजा आज भी अपने शानदार माजी का हाल सुना रहा है और ये फने तामीर में इंसानी कारकर्दगी का खूबसूरत नमूना है।
मकबरे की इमारत मुरब्बा शक्ल में तकरीबन 4 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जो कि हर तरफ से 267 फीट है। इस प्लेटफॉर्म का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर संगे सुर्ख से बना है, जबकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपरी जानेब चारों अतराफ संगे सुर्ख और संगे मरमर के डिजाइन बनाए गए हैं, जिनको मतवाजी 3 हाशियों में तकसीम किया गया है। सबसे ऊपरी और निचले हाशिए में संगे सुर्ख को तराश कर फूलों की बहुत ही खूबसूरत बेल बनाई गई है, जबकि दरमियाने हाशिए में संगे मरमर की छोटी छोटी टुकड़ियों को संगे सुर्ख के साथ जोड़कर फूल की बेल डिजाइन की गई है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे संगे सुर्ख में नगीने जड़े हुए हों। मकबरे जहांगीर की दिलकश इमारत का ये खूबसूरत काम आज भी अपने अजीम मेमारों को खिराज तहसीन पेश कर रहा है। इस इमारत में ऊपरी जानेब संगे मरमर की जाली के नीचे संगे सुर्ख और संगे मरमर से बहुत ही नफीस फूलों की बेल बनाई गई है, जो देखने में इंतहाई खूबसूरत है। इमारत के बैरूनी अतराफ और मीनारों के नीचे संगे सुर्ख लगाया गया है। इस इमारत के आगे मेहराबदार छतों वाले बरामदे बनाए गए हैं। संगे सुर्ख के दिलों में खूबसूरत आराइश संगे मरमर से की गई है, जो कि अपनी नजर आप है। इस इमारत के बैरूनी अतराफ खूबसूरत फूलदार और ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाए गए हैं, जो मुस्लिम फन तामीर का शानदार और बेहतरीन अक्कास है। संगे सुर्ख और संगे मरमर का ये काम अपनी नफासत के लिहाज से एक अलग पहचान रखता है। कहा जाता है कि मुगलिया इमारात में ताजमहल के बाद जिसकी खूबसूरती और बनावट का शोरा आम है, वो है मकबरा जहांगीर। मकबरे के चारों कोनों में हश्त पहलू 5 मंजिला ऊंचे मीनार हैं। इन मीनारों पर संगे मरमर और पीले पत्थर का लहरियेदार इंतहाई दीदा जेब काम हुआ है। मकबरे के चारों जानेब कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों की कुल तादाद 40 है और हर कमरे के आगे बरामदा है। इसकी खास बात यह है कि हर कमरे के आगे बरामदे का डिजाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन कमरों के बाहर दीवारों के निचले हिस्से पर चीनीकारी का दीदा जेब काम किया गया है। ये इमारत अपने मुगल तर्ज तामीर की बदौलत बहुत ही नुमाया हैसियत रखती है। मकबरे के फर्श को
मुख्तलिफ पत्थरों की मदद से इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है। मकबरे की दीवारों पर खूबसूरत पक्षी तामीर किया गया है। ये चबूतरा जमीन से 1.5 फीट बुलंद है। इस पर इंतहाई खूबसूरत गुलकारी, संगे अकीक, संगे सुलेमानी और नीलम, संगे जहर मोहरा, मरजान और उबरी की मदद से की गई है। इस चबूतरे के दरमियान कब्र 2.5 फुट ऊंचाई पर संगे मरमर ही से बनाई गई है, जिस पर अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम दर्ज हैं। मकबरे पर कोई गुंबद नहीं है, बल्कि कहा जाता है मकबरे की इमारत 6 मंजिला थी और मौजूदा इमारत के ऊपर एक 12 दरी थी, जिसमें जहांगीर की कब्र का अलामती तावीज ऐन कब्र के ऊपर बनाया गया था। लेकिन सिख अहद में महाराजा रंजीत सिंह के हुक्म पर जहां दूसरी मुगलिया इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, ये इमारत भी दस्त बुर्द से महफूज ना रह सकी। इस मकबरे की 12 दरी को उतरवा कर बादशाही मस्जिद और शाही किले के वस्त में लगवा दिया गया, जो अब हजूरी बाग के नाम से जाना जाता है। 12 दरी उतरवाने के बाद रंजीत सिंह ने कब्र के ऊपर लकड़ी की आरजी छत लगवा दी। अंग्रेज अहद में इस लकड़ी की बोसीदा छत को पक्की छत में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा मकबरे से मुंसलिक अकबरी सराय को सिखों ने बतौर छावनी इस्तेमाल किया, और यही नहीं बल्कि बर्बादी का ये अमल अंग्रेज दौर में भी जारी रहा। अंग्रेजों ने इस सराय को रेलवे डिपो में तब्दील कर दिया। अकबरी सराय मकबरा आसिफ खान और मकबरा जहांगीर के दरमियान वाक़े हैं। इस अहाते में चारों जानिब कमरे बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 180 है। ये सराय गालिबन जायरीन के लिए या मकबरे की देखभाल के अमले के लिए बनाए गए थे। अकबरी सराय में अमूमी मुगलिया तर्ज के 2 दरवाजे शुमाल और जनूब की सिम्त में बनाए गए हैं। इन दोनों दरवाजों में खूबसूरत दीवार नक्काशी और गालिबकारी की गई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। ये सराय किसी दौर में शान शौकत के मालिक होंगे, मगर अब ये किसी खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। अंग्रेज की बर्बादी सिर्फ यहाँ तक ही न रही, बल्कि मकबरा जहांगीर और मकबरा नूरजहां के दरमियान से रेलवे लाइन गुजार कर दोनों की लाजवाल मोहब्बत में ट्रेन गुजार दी गई।
باغ کے مغربی جانب مقبرہ آصف خان ہے, جو جہانگیر کی بیوی ملکہ نور جہاں کا بھائی اور ملکہ ممتاز محل کا والد تھا. آصف خان کا مقبرہ ایک ہشت پہلو عمارت ہے جس پر بلب کی شکل کا ایک گنبد بنایا گیا ہے. یہ ایک شاندار عمارت ہے جو کہ سنگ مرمر کے پتھر سے جڑائی کر کے سجائی گئی تھی. اس عمارت کو موٹی تہ والی خوبصورت پچی کاری اور غالب کاری کے ساتھ خوبصورت قیمتی پتھروں سے سجایا گیا تھا. سکھ دور میں اس مقبرے کی عمارت کو بھی کافی نقصان پہنچایا گیا. اس کا تمام قیمتی پتھر امرتسر کے گردوارے اور حضوری باغ لاہور میں استعمال کیا گیا. یہ مغلیہ عمارات اپنے طرز تعمیر کی بدولت بہت نمایاں حیثیت رکھتی ہیں. یہ داستان اپنے دور میں بہت خوبصورت اور رنگین ہوگی, مگر آج کی تصویر بہت پھیکی اور پریشان کن ہے. مقبرہ جہانگیر ہمارا قومی ورثہ ہے. وقت کے ہاتھوں اور کچھ ہماری اپنی ہی لاپرواہی کی وجہ سے ہمارا یہ ورثہ تباہی کی بھینٹ چڑھ رہا ہے. مقبرے کی زبوحالی ارباب اختیار کی خاص توجہ کی طالب ہے, مگر یہ معاملہ صرف حکام بالا ہی حل نہیں کر سکتے, بلکہ اس کی حفاظت پاکستان کے ہر شہری کو کرنی چاہیے. سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا.